तो यार क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सबके हाल बहुत अच्छे हैं, मेरे भी बहुत अच्छे हैं। और अभी थोड़ा मुझे भी बहुत पता है कि घर में सब सो रहे हैं। सुबह के बज रहे हैं कुछ 5:45 के आसपास और मैं उठ चुका हूँ क्योंकि भगवान जी आने वाले हैं 6:55 पे। जी हाँ दोस्तों, शाहरुख खान की पठान आ रही है भाई। शाहरुख खान आ रहे 4 साल बाद भाई। हमने क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो काउंटर पूरी मतलब एक्साइटमेंट में ना, मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है कि मुझे नींद नहीं आती। वो यूआई में से नींद नहीं आई, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, बस मैं थिएटर में ना सो जाऊँ। ठीक है, और मेरे साथ जा रहे हैं मिस्टर पूरव झा जो अभी तक सो रहे हैं, उनको गांड प्लाक मार के उठानी पड़ेगी मुझे। मैंने बोला था जल्दी सो जाए, नहीं भाई लेट सोऊंगा, मैं उठ जाऊँगा। दो बार उठ जाऊँगा, नहीं उठ रहा। तो अभी उसको फटाफट उठाते हैं और एक्साइटेड भाई कि जिंदगी में पहली बार कोई फिल्म का फर्स्ट डे फर्स्ट शो, वो भी सुबह के 7 बजे। मतलब बस ये लग रहा सो ना जाऊं, पता चले पिक्चर भी एंजॉय नहीं कर पाऊंगा। नहीं जाएंगे, लेट्स गो। दोस्तों सुबह सुबह उठ के मैंने बहुत बड़ी चूतिया बंदी कर दी। मिस्टर पूरव झा उठ नहीं रहे थे तो मुझे लगा वो उठेंगे नहीं, तो मैंने टिकट कैंसिल कर दी। मेरे 832 रुपए चूत गए मेरा। हेलो गाइस, मैं अपने चैनल पे एक व्लॉग डालने वाला हूँ, सच में मजाक छट गए पर वो इतना टट्टी इंट्रो नहीं वो मैंने दे दिया अच्छा वाला इंट्रो। तो अभी हमारे साथ मिस्टर गौरव अरोड़ा भी करते हैं। सुबह सुबह मैं बताता हूँ स्टोरी, बताता हूँ क्या हुआ। मैं अभी कहीं बाहर से आया था, एडिट करके आया था, तो ये पूरब और ये सारे सो रहे और मैं नीचे इन्हें ऊपर चेक करके आया कि सारे सो रहे हैं। तो मैं नीचे चला गया, नीचे अपना मैं वीडियो देख रहा हूँ और भगवान की वीडियो देख रहा था मजाक सेट के और ऊपर से मेरे को लड़ने की आवाज आई, मेरी फट गई। मैंने कहा यार ये वीडियो मैंने रिवर्स करी, वीडियो मजाक से 6:30 बजे सुबह कौन कौन गाली दे रहा है। रिवर्स करी मैंने वीडियो कि कुछ मतलब कि मैंने वीडियो के अंदर से तो नहीं आवाज आ गई, फिर नहीं आई, फिर मैंने बंद करी। ऊपर से लड़ने की आवाज आई, देख रहा हूँ पूरब ने कच्ची पहनी हुई है और उसके हाथ में चप्पल है बड़ी ऐसे खड़ा हुआ है। पठान देखने जाएंगे, ऊपर है कच्ची कच्ची चप्पल लेके खड़ा। मैंने कहा क्या हुआ, कह रहे बहन के लौड़े ने टिकट कैंसिल कर दी और चप्पल देखे हमारी और अभी फिर बुक कर ली। 40 मिनट पहले सोया हूँ मैं, 40 मिनट पहले। चलो भाई चलो, पेलम पेल भाई, पेलम बेल के तमीज से गाड़ी चलाऊंगा 150 पे। क्या कह रहा था? कुछ नहीं है भाई, दिल्ली से ठंड तो ऐसे गायब हुई है झटपट। अभी पिछले हफ्ते कपकपी थी, गायब। ग्लोबल वार्मिंग है सब। दोस्तों 6:44 हो गए हैं, 6:55 का शो बैंड ठंड पहुंच पाएंगे, पहुंचेंगे। स्ट्रेस भरी सिचुएशन दोस्तों, 10 मिनट में पहुंचना है, टाइम दिखा रहा है ज्यादा। पिज्जा पहुंचाना है टाइम पे। 30 मिनट 1 मिनट हो गया, फ्री हो जाएगा भाई। 3 चूतिया पिज्जा पहुंचाने के सिचुएशन। ये लड़का हमने माइकल सुमा कर रखा है, हायर किया बाहर से लेके आए हैं इसको। पहले रेसिंग करता था, करियर चलानी टैक्सी चलाता कनाडा में, पहाड़ों में चलाता था, टैक्सी चलाता है कनाडा में। मंजीत नाम है इसका, मंजीत झा। तो दोस्तों पेलम पेल भगाते हुए भी हम हो गए हैं अभी 15 मिनट लेट। मुझे तो लग रहा है छूट भी, अबे बोरी लिफ्ट बोरी। चलो 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 चलो, पहुंचा तो भी सही। एक पेलम पेल भाई एकदम पेल। लेकिन अगली बार से ना तुझे बोलूंगा 6:30 का शो है, आधे घंटे पहले। तो भाई अंदर आ गए, वक्त हो जाना है लेकिन। भाई अब लग रहा है कि सही टाइम पे आए हैं, ये लोग इतनी देर से बैठे हुए हैं यहाँ पे। 5 सेकंड सोचेगा ये आवाज पहले कहाँ सुनी है, 5 सेकंड तुझे यकीन नहीं होगा। फिर तो पूछेगा पठान। भाई
भाई अभी हम निकले हैं पिक्चर देख के, तो हमें बहुत बढ़िया लगी पिक्चर, बहुत बहुत ही शानदार शानदार पिक्चर थी। एंटरटेनमेंट है, मतलब एक्शन भाई क्या ही काम किया VFX और इन सब चीजों पे, एक्शन पे भाई एक्शन तो ठीक है। बाहर निकलते ही न्यूज वाले मिल गए, कैसी लगी आपको पिक्चर? और हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश, बहुत लेकिन वही है कि थोड़ा बहुत स्टोरी में इधर उधर लॉजिकल चीजें हैं, लेकिन वो वाली पिक्चर है कि जाओ फैमिली दोस्तों के साथ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, है ज्यादा दिमाग खर्च मत करो, मजे करो, वो वाली ठीक है। वरना तो चौदह तो बहुत ही स्टोरी में, पर चलो कोई नहीं, मजे तो बहुत भाई, चिल्लाए फुल गला फाड़ फाड़ के। ये देखो लापरवाही का नतीजा, कहाँ जाना था? कलकत्ते अपार्टमेंट काका नगर डाल रहे, काका नगर लाया आपने, मैप ला किया है यहाँ पे और पहुंच गया रोड पे खड़े हो गया। मैप में लिखते हैं ना दो वर्ड तो आ जाता है, मैं वैसे ही थोड़ा नींद कंफ्यूज हो गया, पहुंच के कह रहा यहीं पर तो था, कहाँ गया, उखाड़ लिया किसी ने। वंदे वंदे वंदे, ये जो भारत छोड़ो छोड़ तो दिया। तो यार आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, भाई हमें तो बहुत मजा आया, फर्स्ट डे फर्स्ट शो भाई, मतलब अलग लेवल एक्साइटमेंट थी। लग रहा था कि नींद क्योंकि हुई नहीं थी पूरी बिल्कुल भी, रात भर काम कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था हम मुश्किल से एक डेढ़ दो घंटा सोए होंगे, ठीक है, तो ऐसा लग रहा था कि हाँ झपकी ना आ जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और मैं पूरा इस पर्पज से गया था कि मेरे को व्लॉग बनाना है, लाइक फर्स्ट डे फर्स्ट शो है ना, उस पर्पज से गया था, तो मुझे लग रहा था मुझे नींद पक्का आएगी। लेकिन भाई फिल्म इतनी एंगेजिंग थी ना, इतनी मतलब एक भी डल मोमेंट तो नहीं कहूँगा मैं फिल्म में है, मतलब स्टार्ट से लेकर फिनिश तक ना, तो अपनी सीट पर बैठे ना तुम्हारी आंखें बिल्कुल स्क्रीन पे और झपक नहीं सकते भाई तुम, मतलब इतने सही सही एक्शन सेट पीसेज। हाँ ये है कि कहीं कहीं पर VFX थोड़ा सा ऐसे डामाडोल हो जाता है, स्टोरी तो मतलब थोड़ा लॉजिकल फ्लॉ है स्टोरी में, बट वो चीज़ होती है ना यार सिनेमा कभी कभी तुम देखते हो एस्केपिज्म के लिए, कि तुम्हारी रूटीन लाइफ से तुम्हें एक एस्केप मिले, तो वो ये पिक्चर है भाई, फुल मसाला पिक्चर, सीटी मार वाले सीन्स भाई, मतलब थिएटर में लोग गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे थे भाई साहब, और ये हाल था IMAX में। अब मैं सोच रहा हूँ मेरा मन है अब इस ऐसी पिक्चर सिंगल स्क्रीन पर देखने का, तो मैं वो भी प्लान करूँगा कि मैं सिंगल स्क्रीन पर देखने जाऊँ। तो यार मुझे बताओ कि दिल्ली में कौन सा सिंगल स्क्रीन अभी ऑपरेट कर रहा है, क्योंकि जो मुझे पता था विशाल सिनेमा एक ही रजौरी गार्डन में, वो तो बंद हो गया, वो मल्टीप्लेक्स बन रहा है, तो बाकी सारे भी मल्टीप्लेक्स बन रहे, तो अगर कोई सिंगल स्क्रीन सिनेमा ऑपरेट कर रहा है तो प्लीज मेरे कमेंट्स में बताओ, मुझे देखनी है भाई ये पिक्चर सिंगल स्क्रीन पर, अलग मजे आएंगे इसके, ठीक है। और बाकी तुम्हें पता है यार क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी नीचे डाल दूंगा, अलग बकचोदी चलती है। बाकी खुश रहो, आबाद रहो, दिल्ली रहो, गाजियाबाद रहो।